दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें बनाया गया है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले ये नहीं जानते कि आखिर इनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। इन चीजों को इंसान देखता तो है, लेकिन उन्हें समझने की कोशिश नहीं करता। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताएंगे कि आखिर उन चीजों को बनाने का मकसद क्या है। जैसे कि अगर आप आईफोन देखें तो उसके कैमरा और फ्लैश के दरमियान हमें एक छोटा सा डॉट दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस डॉट का क्या मकसद है? तो अगर आप नहीं जानते तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं, और बेशुमार किस्म की ऐसी ही इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसे जानकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे और उसको इस्तेमाल करने के बारे में आप लोगों को पहले मालूम नहीं होगा। इसी तरह हम आपको टूथपेस्ट के बारे में बताएंगे कि आखिर उसके ऊपर ग्रीन, रेड और ब्लू कलर के जो हमें एक निशान दिखाई देता है, उसका क्या मकसद होता है, वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, उसे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं होगा कि ये चीजें इस तरीके से इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि दूरबीनी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको पता चल सके। सबसे पहले हम आपको पेट्रोल पंप के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे जिस पाइप के साथ या वायर के साथ आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाला जा रहा होता है, उसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उसको वहाँ लगाने का क्या मकसद है? तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर उसको क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला दे और अभी पाइप लगा हो तो पूरा पेट्रोल पंप आग की जद में आ सकता है, लेकिन पूरे पेट्रोल पंप को तबाही से बचाने के लिए स्प्रिंग लगाया जाता है, ताकि अगर कोई ड्राइवर गलती से गाड़ी चला भी देता है तो वो पाइप सिर्फ टूटे, ना कि पूरा पेट्रोल पंप तबाह हो जाए। तो दोस्तों, पहले आपको इस चीज के मकसद का पता था या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपको बताते हैं कि जहाज की जो विंडो होती है, उसके अंदर एक सुराख क्यों होता है। लेकिन उससे पहले ये जान ले कि जहाज का जो प्रेशर होता है, उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, और ये सुराख भी इसलिए रखा जाता है ताकि बाहर और जहाज के अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन रह सके, और जो जहाज है वो अपना सफर अच्छे तरीके से पूरा कर सके। दोस्तों, इससे जो इंसान जहाज में सफर कर रहे होते हैं, उनके सांस लेने के लिए भी रखा जाता है, ताकि उनको बाहर के प्रेशर के मुताबिक अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहे और वो अच्छे तरीके से सांस ले सके। अब हम आपको कीबोर्ड के बारे में बताते हैं कि कीबोर्ड को अगर आप देखें तो उसके ऊपर हमें दो अल्फाबेट एफ और जे दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर कुछ निशान मौजूद होते हैं। आखिर वो निशान क्यों बनाए गए हैं? कभी आपके जहन में ये सवाल आया है? नहीं आया तो आइए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि टाइपिंग करते वक्त आपको अपने हाथों की पोजीशन समझने में मदद मिल सके, और आप स्क्रीन को देखते हुए अपनी उंगलियों से फील कर सकें कि आपके हाथ इस वक्त किस अल्फाबेट पर मौजूद हैं, और आप टाइपिंग को तेजी से करते जाएं ताकि आप अपने काम को जल्दी से खत्म कर लें। यकीनन आप में से बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में नहीं मालूम होगा। आइए अब आपको एक और हैरान कर देने वाली बात बताते हैं। दोस्तों, अगर आप पेन देखें और उसके ढक्कन को देखें तो उसके ऊपर हमें एक सुराख दिखाई देता है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये सुराख इसलिए बनाया जाता है ताकि पेन जल्दी सूख जाए, और इसको इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा पेन खरीदें और कंपनी को प्रॉफिट मिले, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो अपने पेन को मुंह में डालते हैं और उसे चबाते रहते हैं। दोस्तों, इस वजह से उनकी जुबान पर काफी ज्यादा इंक लग जाती है और मुख्तलिफ बीमारियों का वो शिकार भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये सुराख बनाया जाता है ताकि वहाँ से जो इंक है उनके मुंह में निकल के न जाए और उन्हें नुकसान न पहुँच सके। अब हम आपको आईफोन के बारे में बताते हैं। बहुत से लोग आईफोन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। दोस्तों, आईफोन के कैमरे और फ्लैश के दरमियान देखा जाए तो एक ब्लैक कलर का डॉट दिखाई देता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये कैमरा या फ्लैश है, जबकि ऐसा नहीं है। आईफोन की जानिब से ये एक माइक्रोफोन बनाया गया है ताकि आपकी साउंड क्वालिटी को बेहतर तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके। तो ये एक माइक है जो वहाँ से आपकी आवाज रिकॉर्ड करता है। अब हम आपको कटर के बारे में बताते हैं। अगर इसको देखा जाए तो इसके ऊपर लाइन्स मौजूद होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाइन्स क्यों है? तो अगर आपने नहीं सोचा और आपको इसके मकसद का नहीं पता, तो आइए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, अगर
अगर किसी ब्लेड को बार बार इस्तेमाल किया जाए तो वो बिल्कुल रफ हो जाता है और पहले की तरह शार्प नहीं रहता। इसीलिए ये जो लाइंस हैं, इसको हम यहाँ से तोड़ सकते हैं और नीचे से हम फ्रेश ब्लेड या रेजर निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से ये बनाए जाते हैं और इसको हम 10 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काम में ला सकते हैं और ये बिल्कुल नया हो जाता है। तो इसको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको द होल एट द एंड ऑफ पेन के बारे में बताते हैं। यानी आपने बहुत से ऐसे पेन देखे होंगे जिनके हैंडल के एंड पर आपको एक सुराख दिखाई देगा। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये लटकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। ये एक अच्छा फायदा उठाने का तरीका है, लेकिन आपको बता दें कि इसके बनाने का मकसद ये भी है कि जब कुछ कुकिंग की जा रही हो तो स्पून को उसमें लटका दिया जाए। यानी बेसिकली ये स्पून हैंडल के तौर पर बनाया जाता है। जब खाना पकाया जा रहा हो, जो चम्मच इस्तेमाल किया जा रहा हो उससे उसके अंदर लटकाया जा सके। दोस्तों, आपको एरो ऑन द साइड ऑफ गैस आइकन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये आपको बताता है कि आपकी गाड़ी का टैंक का मुंह किस तरफ है। यानी अगर एरो राइट साइड पे है तो ये आपको बताएगा कि टैंक राइट साइड पे है, और अगर निशान लेफ्ट साइड पे है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे पेट्रोल का साइन है। आप वहाँ से टैंक में पेट्रोल डलवा सकते हैं। बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब आपको पावर केबल सिलेंडर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अगर लैपटॉप्स के चार्जर्स को देखा हो तो उसके अंदर हमें ये सिलेंडर दिखाई देता है और बहुत से लोग रोजाना इसे देखते होंगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होगा कि आखिर इसको क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, इसका मकसद ये होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है उसे कंट्रोल किया जाए, और ये फेरमेटिक बीट होती है जो बनाई जाती है, और ये सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए ही वहाँ पर मौजूद होती है। इसी तरह लिटिल होल ऑन द पेडलॉक के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपने बहुत से ताले देखे होंगे जिनमें एक सुराख दिखाई देता है। इसको बनाने का मकसद ये बताया जाता है कि इसको ऑयलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या अगर उसको जंग लग जाए तो उस दौरान अगर तेल लगाना हो तो उस सुराख के जरिए लगाया जाता है, या फिर इसके अंदर पानी चला जाए तो ड्रेन का काम भी करता है। ये पानी इस सुराख से निकल आता है। अब आपको टायर बम्प्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि ये गलती से हो जाता है, ये गलती से बनाए जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बनाने का मकसद ये है कि ड्राइवर जान सके कि आखिर जो टायर है उसकी कंडीशन क्या है। ये आपको टायर के हवाले से बताता है, और जब लेवल दोनों का बराबर हो जाता है तो इसका मकसद ये होता है जो टायर है वो अब चलने के काबिल नहीं रहा और इससे नुकसान पहुंच सकता है, जान खतरे में जा सकती है। इसी तरह टूथपेस्ट कलर स्क्वायर के बारे में आपको बताते हैं। बहुत से टूथपेस्ट आपने देखे होंगे जिनके स्क्वायर पर मुख्तलिफ कलर दिखाई देते हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू। इन सब का एक मकसद होता है। ये इसके केमिकल के हवाले से बताते हैं। अगर आपको ग्रीन कलर का निशान दिखाई दे तो इसका ये मकसद है कि ये कुदरती अज्जा से बना है। अगर आपको रेड कलर का निशान दिखाई देता है तो इसका मकसद ये होता है कि मोस्टली इसमें केमिकल्स हैं, जबकि ब्लू जो है वो नेचुरल और मेडिकेशन दोनों से मिलकर बनाया जाता है। यानी आपको टूथपेस्ट खरीदते वक्त ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, आप फौरी तौर पर स्क्वायर देख के टूथपेस्ट खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको जिन चीजों के बारे में बताया गया है उनके बारे में आगाही बिल्कुल नहीं थी, और आपको मालूम नहीं था कि आखिर इन चीजों को बनाने का मकसद क्या है, और अब आपको मालूम हो गया है। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे।